गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सभी भाई आमीन। बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं एक और शुभ अवसर के लिए कि हमारी जिंदगियों में हमें दिया गया, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ और प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा हो सके। ये हमें सौभाग्य मिला है, हमारे खुदावन ने हमें दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये जितनी भी कार्यवाही आज की मीटिंग है, मीटिंग का चेयरपर्सन हमारा प्रभु है, हम उसके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक मन का आत्मा प्राण देगा कंट्रोल ले, और जो खुदावन आज हमें फीड करना चाहता है, जो मन्ना आज हमें वो खिलाना चाहता है, प्रभु अपनी आत्मा की सहायता से हमारी समझ को खोल दे, हमारे दिल और दिमाग को खोल दे, ताकि हम उसकी बातों पर मनन कर सके। आइए हम इस मीटिंग को उसके हाथों में हैंड ओवर करते हुए अपने सिरों को झुकाएं, उसका धन्यवाद करते हैं। प्यारे मेहरबान बाप, दयालु अनुग्रहकारी पिता, तू जो जीवित है, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरे ऊंचे और श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं, अपने सिरों को तेरी हुजूरी में झुकाते हैं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। प्यारे बाप आत्मानी, इस एक और मौके के लिए प्रभु, इस और आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम इस समय प्रभु सारे भाई बहन मिलकर प्रभु प्यारे पिता तेरे नाम को हम दो सिताइश कर सके। प्यारे पिता हम क्या है प्रभु, हम मिट्टी ही है, तू हमारी बनावट जानता है प्यारे प्रभु, लेकिन तुझे भाया है प्रभु, तू चाहता है कि तेरे बच्चे तेरी आराधना स्तुति करें, जो कि तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है प्यारे प्रभु। ये मीटिंग, छोटी सी मीटिंग तेरे बच्चों ने अरेंज की है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस पर तेरी आशीष चाहते हैं, इस पर तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्यारे पिता। इस मीटिंग का टोटल कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे बाप आसमानी। हम अपने प्रिय भाई को प्रभु, जो तेरे वचनों को तुझसे लेकर आता है प्यारे पिता, उसका अभिषेक करें, उसके होठों को छुए प्यारे प्रभु, वो मनुष्य ही है प्यारे बाप आसमानी, अपनी समझ से उसे भर दे प्यारे पिता, ताकि जो तू हम से बातचीत करना चाहता है प्यारे पिता, उस भाई को ब्लेस कर प्रभु, उसके द्वारा तू हमसे बातचीत कर प्यारे पिता। और ये इसका जो तुर्जुमा प्यारे पिता दूसरी भाषा में होता है प्यारे पिता, जो इसका ट्रांसलेशन होता है प्रभु मसीह, उस भाई को भी तेरे हाथों में सौंपते प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी, ताकि प्यारे प्रभु मसीह लैंग्वेज का जो डिफरेंस है प्रभु, तेरे बच्चे समझने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि हम अलग अलग भाषा से, अलग अलग जगह से प्रभु, अलग अलग कंट्री से इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए प्यारे पिता, जिनको तूने नाम लेकर बुलाया है प्यारे प्रभु, हम उन सबों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने आ गए हर एक को नाम बनाने की याद प्यारे बाप आसमानी, जो हमारे बीच में पहुंचना चाहते हैं, शह कुछ हमारे बीच में पहुंचने का फजल प्रदान कर प्यारे पिता, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु। आज की चरवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु, आप अपने सीन पे आ जाइए प्रभु जी, क्योंकि कोई भी सभा प्रभु जो तेरे नाम में की जाती है तो तू वहां उपस्थित होता है, तूने हमसे ये वादा किया है प्यारे पिता। बाप आसमानी, हमें से यदि कोई कमजोर है, गटी में है, कमी में है, लाचारी में है प्रभु, बीमारी और दुखी में है प्रभु, प्यारे पिता आप उसको अपने छेदे हुए हाथ से छू लेना प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु जी वो एक्सपीरियंस ले सके प्रभु कि अच्छा हुआ हम खुदावंत की हुजूरी में गए प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरे हुजूरी में आनंद की भरपूरी है प्रभु यीशु मसीह, तेरी हुजूरी में वो आनंद पाया जाता है जो अनंत आनंद है प्यारे पिता, जो दुनिया हमें दे नहीं सकती प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तेरे बच्चे दौड़ कर प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्यारे पिता, ताकि तू अपने बच्चों से आज जो कुछ कहना चाहता है प्यारे पिता, हमारे कानों का खतना कर प्रभु, ताकि अच्छी समझ में हो गए प्रभु, हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके, उसको सुनने वाले हो सके प्यारे पिता, और हमारे हृदय का खतना कर प्रभु, हम अपने कपड़ों को नहीं अपने हृदय को तेरे सामने फाड़ते हैं प्रभु, हम कमजोर हैं प्रभु, हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है प्यारे पिता, प्यारे प्रभु फिर भी हम तेरे चरणों में आते हैं प्यारे पिता, और तेरा अभिषेक चाहते हैं प्यारे पिता, अपने वचन के द्वारा तू हमारा अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, हमारा यहाँ इकट्ठा होना तुझे भाने वाला हो सके प्रभु, तुझे महिमा देने वाला हो सके प्यारे प्रभु, और हमारे लाभ का कारण हो सके प्यारे पिता, ताकि एक अंग और प्रभु यीशु मसीह, ये आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह, स्पिरिचुअल वे में प्रभु यीशु मसीह, एक कदम और हम तेरी ओर बढ़ सके प्यारे पिता, ऐसा फजल दे प्यारे बाप आसमानी, प्यारे बाप आसमानी, तमाम दुनियादारी के कार्यों के प्रति तू हमें अंधा कर दे प्यारे पिता, अपनी आमद के लिए हमें तैयारी बख्श दे प्यारे पिता, जबकि हम अंत के अंत समय में आप पहुंचे हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा कलाम हमें चिल्ला चिल्ला कर बताता है प्रभु, तू अपने सेवकों के द्वारा चिल्ला चिल्ला कर बताता है, जैसा पुराने समय में प्रभु तेरे नबी चिल्लाते थे प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी, लेकिन जिन्होंने सुना वो बच गए, उनके लिए उद्धार का मार्ग खुला, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो नाश हो गए,
तेरा वचन यही चिल्ला चिल्ला के हमें बताता है कि हम अंत के भी अंत समय में आ पहुंचे प्यारे बापा आसमानी, तो हमारी सहायता मदद कर, हमारे विश्वासों को बढ़ा प्रभु, हमारे विश्वास की घटी को तो हमसे दूर कर दे प्यारे पिता। बापा आसमानी हम छोटे छोटे विश्वास लेकर तेरे पास आए हैं प्यारे पिता, तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, अपने हृदय को तेरे सामने फाड़ते हैं प्यारे बापा आसमानी, तू हमारी सहायता मदद कर प्रभु ईश्वर से, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है प्यारे पिता। आज इस मीटिंग को तेरे जोर और हाथों में सौंपते हैं प्रभु ईश्वर से, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो प्यारे पिता, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे को सेंटिफाई कर प्रभु ईश्वर से, अपने आत्मा से मशा कर प्रभु ईश्वर से, हमारी कुप्पियों में जो तेल खत्म हो गया प्रभु, हमारी कुप्पियां तेल से भर दे प्यारे बापा आसमानी, हमारी बत्तियों को ट्रिम कर दे प्यारे पिता, प्यारे पिता ताकि ये जो अंधेरी रात है प्रभु ईश्वर से, हम जो बॉर्डर लाइन पर पहुंच चुके हैं प्रभु ईश्वर से, उसके लिए प्यारे पिता हम जागृत हो सके प्यारे प्रभु ईश्वर से, हम चेतन हो जाए प्यारे बापा आसमानी, आप हमारी सहायता करें प्रभु ईश्वर से, हमारा आसरा भरोसा तू है प्रभु, सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को जीतता और भागता तुझे चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु ईश्वर से, हमारे आत्मा प्राण देगा कंट्रोल तेरे हाथों में रहे प्रभु, हमारी डोर प्रभु जो हम कटी पतंग के समान से प्यारे पिता, कटी पतंग की डोर प्रभु आप हम संभाल लीजिए प्यारे बापा आसमानी, प्यारे पिता हम तुझका आश्रित होना चाहते हैं प्यारे पिता, दुनिया कहती है सेल्फ डिपेंड बनो, लेकिन प्यारे बापा आसमानी तेरे बच्चे भाग कर प्रभु तेरे चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि हम तुझ पर डिपेंड होना चाहते हैं प्यारे पिता, आप हमारी सहायता मदद करें बापा आसमानी, सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरा एक बार फिर रहम मांगते हुए प्रभु, इस मीटिंग में प्रभु तेरी उपस्थिति मांगते हुए, तेरी उपस्थिति चाहते हुए विनती को अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाए नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे भाई सुरेंद्र इस स्पिरिचुअल प्रेयर के लिए, रूहानी प्रार्थना के लिए, और आज हम सबने इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है, बरकत पाई है, क्योंकि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं का जवाब देता है, और जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, एंड व्हेन वी आस्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, तो कलाम में लिखा है कि तुम मांगते हो मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपनी भोग विलास में उड़ाना चाहते हो, परंतु जब तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो वह तुम्हें जरूर देता है। अगर हम कोई भी चीज़ मांग रहे हैं, अगर उसका उस चीज़ को हम प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारा घर है, चाहे गाड़ी है हमारी, चाहे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, कुछ भी है, जब हम प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, तब प्रभु का कलाम कहता है उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो वो तुम्हें जरूर देता है। और रब हमने ये मांगा है प्रभु आपका कलाम हो हमारे पास, हमसे बात करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन एब्सल्यूट है, संपूर्ण है, वो आधा ये नहीं कि आधा मनुष्यों का वचन है, आधा परमेश्वर का वचन है, और बाइबल में ये नहीं है कि वो मूसा के विचार हैं या पतरस के या पुलूस के विचार हैं। सभी सेवकों ने कहा है कि उनके पास प्रभु का वचन पहुंचा। प्लूस गलातियाँ 1 में कहता है कि मैं प्रभु का चुना हुआ दास, ना किसी मनुष्यों ने मुझे चुना और ना ही मैं किसी हड और मांस से सलाह ली, और प्रभु ने मुझे चुना अन्य जातियों के लिए, और मैंने किसी से भी फिर सलाह नहीं ली, और ये बात कहता मुझे प्रभु से पहुंची। जब वो कहता है पत्रस या कोई भी, उनको उनके पास प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम पहुंचा होता है। ये किसी भी सेवक के अपने विचार नहीं है। बाइबल कोई मनुष्यों के अपने विचार वाला पवित्र शास्त्र नहीं है। हो सकता है किसी को कोई पसंद आए बात, चाहे ना आए, वो हमारी अपनी गड़बड़ है, लेकिन सारा कलाम परमेश्वर का वचन है। और जिस तरह पत्रस से भी 20 में लिखा है कि सभी नबियों ने, सेवकों ने परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई से ये कलाम लिखा है, तो सारा स्क्रिप्चर जो है वो प्रभु के पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है। हमें रिस्पेक्ट करनी है, आज्ञा माननी है, चाहे कोई बात लिखत हमें पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन वो परमेश्वर का वचन है। और हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यस्टरडे आई रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम सिस्टर पूनम, एंड शी वांट टू सिंग ए सॉन्ग। उसने कल बहन ने एक रिक्वेस्ट की है कि वो आज एक गीत गाना चाहती हैं। और सिस्टर पूनम, क्या आप हमें सुन सकते हैं?
फगवाड़ा से सिस्टर पूर्ण जी, आप हाँ, गॉड ब्लेस यू। और जैसा हम जानते हैं, प्रभु ने इन प्यारी बच्चियों को गिफ्ट दिया हुआ है अच्छे गले का, और ये प्रभु के बहुत अच्छे गीत गाती हैं सभी बहनें आपस में, और जो हमारी लोकल लुधियाना की ही ये बच्चियां जो हैं मेंबर हैं, और बहुत अच्छे गीत गाती हैं, प्रभु ने ब्लेसिंग दी हुई है। और नेपाल के जितने भी भाई बहन हैं सभी अच्छा गाते हैं, प्रभु आशीष बरकत दे। और हम बच्ची के साथ जाएंगे, अपने माइक को हम ऑफ ही रखेंगे, चाहे हमें वो गीत आता भी हो हम माइक ऑफ रखेंगे, क्योंकि उसका ये कारण होता है कि जो लोग बच्चे गा रहे होते हैं हम बीच में जो गाते हैं उसके साथ वो रिदम गलत हो जाता है, तो हम सभी अपना माइक ऑफ करके वैसे गा सकते हैं। और लेकिन जो मेन जो गीत है वो मेन होस्ट ही गाएगा। पूनम आप गीत गा सकते हैं, प्रभु आपको आशीष बरकत दे। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। जय प्रेज मसीह। लॉर्ड एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू सिंग अ हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग, कुछ पल जो तेरे से करता हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। आमीन आमीन आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। आमीन। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी खुश रहता हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है इस दिल को सुकून यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में खुश रहता हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कंधे में सर हो मेरा और रू लू यू ही चंद पल, मेरे नजरे तुझे पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए तेरे कंधे में सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए डर। कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे
कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष बरकत दें बच्चियों को, और जिन्होंने रूह से गाया है गीत और एक सुर में एक रिदम में, और ये भी प्रभु का दिया हुआ गिफ्ट है, दान है, क्योंकि इन बच्चियों ने ये कहीं से भी नहीं सीखा। जब मैंने इनसे पूछा था कि आपने कहाँ से सीखा ये गीत गाने या सारा म्यूज़िक, तो इन्होंने कहीं किसी स्कूल में नहीं गए, कहीं से नहीं सीखा। तो ये प्रभु का काम है, दान जो है प्रभु देता है और अपने लोगों को, ताकि वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु आशीष बरकत दें। और शायद पापा इनके फैमिली नेपाल गए हुए हैं ना बेटा, कल बताया था इन्होंने कि नेपाल गए हुए हैं कुछ, इनके फादर साहब और एक सिस्टर इनके नेपाल गए हुए हैं। भाई किशन नेपाल में ही है, देख लेना मिल लेना, ये परिवार आधा नेपाल आया हुआ है। प्रभु आशीष बरकत दें। और हम एक गीत और गा सकते हैं, हमारे बीच में जो है सिस्टर रिप्सिम है, जो जिनके पास हमेशा से ही गीत होता है। सिस्टर रिप्सिम, कैन यू हेयर मी? आवाज मेरी अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही भाई? भाई किशन अब आ रही है आवाज साफ? ब्रदर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ नेटवर्क जो है ना वो बहुत दिक्कत, नेट पोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा 5G आ रहा है, अभी 4G ठीक नहीं है। लेकिन चलिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन सब चीजों को ठीक करे। अब साफ आ रही है? ओके ठीक है प्रभु जी, ब्रदर कुछ बेटर है, ठीक है। प्रभु आशीष बरकत दे। और हम एक गीत सिस्टर रिप्सिम के साथ गाएंगे। सिस्टर रिप्सिम, कैन यू हेयर मी? सिस्टर रिप्सिम, आर यू देयर? यस ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यस आई कैन हियर यू। या सिस्टर, कैन यू सिंग ए सॉन्ग? यस। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज। यस सिस्टर प्लीज। Yes, brother. Yes, God bless you, sister. I will sing a Hebrew song, but with English translation also. Okay. Okay, sister. और बहन कह रही है ये एक इब्रानी गाना गीत है हिब्रू, और लेकिन ये ट्रांसलेट करके इंग्लिश में गाएंगे। Ahavati ki ata Adonai ahuvi Eshpoch lefanecha et libi Odem befanecha ahavati ahavati ki ata Adonai ahuvi ata Adonai Yahubi Ata Merim Roshi Ata Adonai Yahubi
I lay my heart before you, O Lord Adonai. I give my love to you, O Lord Adonai. For you are the Lord of my heart. I lay my heart before you, O Lord Adonai. I give my life to you, O Lord Adonai. For you are the Lord of my heart. O Lord, you are my beloved. O Lord, you're the lifter of my head. O Lord, you are my beloved. For you are the Lord, you are the Lord. Atah Adonai Ahuvi, Atah Merim Roshi, Atah Adonai Ahuvi, Ki Atah Adonai. Ata Adonai, ki ata Adonai, Ahuvi. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Sister Ripsim, God bless you. और बहन ने ये अच्छा गीत गाया है और जो जो कि सिस्टर ने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके डाला हुआ है और जिसके बोल हैं कि प्रभु परमेश्वर मैं अपने हृदय को आपके सामने लाता हूँ एंड और मैं अपना प्रेम भी प्रभु परमेश्वर आपको देता हूँ और प्रभु परमेश्वर आप ही हैं जो मेरे इस दिल के मेरे हृदय के प्रभु परमेश्वर है और आप प्रभु परमेश्वर मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर है और आप प्रभु परमेश्वर मेरे सिर को ऊँचा करने वाले प्रभु परमेश्वर है और प्रभु परमेश्वर आप मेरे दिल के परमेश्वर हैं। जो बहन ने जो गीत गाया है हिब्रू में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कि प्रभु परमेश्वर मैं अपना हृदय आपके सामने रखती हूँ और आपने ही मेरे इस हृदय को बनाया हुआ है, मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, आप मेरे सर को ऊंचा रखते हैं। और प्रभु आशीष बरकत दे बहन को इस सुंदर गीत के लिए और बहन के पास भी मल्टीपल दान है, मल्टीपल लैंग्वेज है, सिस्टर अल्बेनिया से है और फिर भी सिस्टर जो है इंग्लिश के हिंदी में और यहाँ पंजाबी में गीत गा लेते हैं, ये प्रभु का दान है। प्रभु आशीष और बरकत दे। और हमारे बीच में भाई जोसेफ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हुए हैं, सो वी वेलकम टू ब्रदर जोसेफ। और अगला समय जो है वो सबसे आमीन और जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है हर संगति का वो होता है वचन, और संगति में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सेशन जो होता है वो होता है वचन, क्योंकि बाइबल में लिखा है गॉस्पल ऑफ जॉन कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। 14 आयत भी आया हुआ है ताकि क्योंकि हम अगर जब तक आधी चीज पढ़ेंगे ना हम कभी भी फुल रेवोल्यूशन नहीं पा सकेंगे। 14 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ, शरीर एक बेटा कहलाया और उसके अंदर खुद यहोवा परमेश्वर। इसलिए यीशु कहता जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, इतने दिन से तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू कहता पिता दिखा दे, मैं और मेरा पिता एक हैं। वो अलग बात है कि कुछ कम ज्ञान वालों ने उनको दो कर दिया हुआ है, लेकिन प्रभु ने अपने मुख से बोला हुआ है कि मैं और मेरा पिता एक हैं, क्योंकि कहता पिता मुझ में है और पिता मैं पिता में हूँ। और प्रभु के अनुग्रह से हमें प्रभु ने डिवाइन रेवलेशन दिया जिससे हम मानते हैं कि पुराने नियम का पिता परमेश्वर नए नियम में वो शरीर लेके आया और आज पवित्र आत्मा के वसीले से हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि सत्य भी प्रभु की तरफ से दिया हुआ बहुत सुंदर तोहफा होता है। प्रभु का शुक्र धन्यवाद करते हैं।
एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ब्रदर जोसेफ एंड ब्रदर जोसेफ कैन शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई हैंड ओवर दिस नेक्स्ट सेशन टू ब्रदर जोसेफ जेकरिया गॉड ब्लेस यू ब्रदर जोसेफ एंड यू कैन नाउ शेयर द वर्ड ऑफ गॉड Can you hear Amen. me, brother? Amen. Thank you very much. God bless you too. Amen. Amen. God bless you. I greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. मैं आप सबको महान कीमती नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम करता हूँ. I am very happy to be again with you through this platform and praise the name of the Lord. आज मैं फिर से खुश हूं आपके बीच में आकर ताकि हम प्रभु परमेश्वर के नाम को जलाल दे सकें. And may the Lord bless our sisters. We have sung very beautiful songs. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी बहनों ने बहुत अच्छा गीत गाया प्रभु के लिए. So, I'm going to share few scriptures with you today. और आज मैं आपके साथ प्रभु के कलाम में से कुछ आयतें आपके साथ साझा करना चाहता हूं. I start in the book of Isaiah. और मैं आपके साथ यशाया नबी की किताब में जाना चाहता हूँ. यशाया नबी की किताब में Isaiah chapter 21. और उसकी मैं 21 आयत में 21 अध्याय में जाऊंगा. यशाया 21. Yes. I read the verse 11 and verse 12. मैं यशाया नबी की किताब और 21 अध्याय से 11, 12, 13, 11, 12 and 13. No, 11 and 12. Okay. और मैं 11 और 12 आयत पढ़ूंगा. यस ब्रदर, डू यू हैव अ फ्रेंच और इंग्लिश बाइबल? इंग्लिश बाइबल, आई हैव इंग्लिश. ओके ओके, तो मैं भाई के पास इंग्लिश बाइबल ही है और वो इंग्लिश पे पढ़ेंगे. मैं हिंदी में पढ़ दूंगा और कोई भी भाई हमारा जो है वो डाल सकता है चैट बॉक्स में हिंदी पंजाबी में. प्रभु आशीष दे. आमीन. A prophecy against Duma. Someone goes to me from saying, Watchman, what is left of the night? Watchman, what is left of the night? The watchman replies, Morning is coming, but also the night. If you would ask, then ask and come back yet again. आमीन. भाई ने 11 और 12 से पढ़ा है, मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ. दूमा के विषय में बारी वचन. सैयर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी. यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना. आमीन. See, here, a watchman, there is a question asked to the watchman. और आपने what is left of the night? आपने यहां देखा कि पहरुए से सवाल किया गया है कि रात का क्या समाचार है.
है पहरुए, रात की क्या खबर है? The time is no more, and we have to watch over. समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है और हमें ध्यान रखना है, ध्यान देना है. And Isaiah chapter 52. और यशाया में ही हम रहेंगे, यशाया नबी की किताब में ही रहेंगे और उसका 52 ब्रदर. Yeah, 52. I read verse 1 and verse 2. आइए हम यशाया में जाते हैं, उसका 52 और उसकी भी हम एक और दो आयत पढ़ेंगे. एक और दो, यशाया 52. Awake, awake, Zion. Clothe yourself with strength. Put on your garment of splendor. Jerusalem, the holy city, the uncircumcised and defiled will not enter you again. Shake off your dust. Rise up. Sit enthroned, Jerusalem. Free yourself from the chains on your neck, daughter Zion. Now, shut it. Yeah, Amen. बावन की एक और दो. हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर. हे पवित्र नगर यरूशलम, अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी भी प्रवेश ना करने पाएंगे. दो आयत. अपने ऊपर से धूल झाड़ दे. हे यरूशलम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे. आमीन है, आमीन. It is requested to Zion to be awake. यहाँ पर सियोन को बोला गया है कि जाग और जाग, अपना बल धारण कर सियोन को. And not only to be awakened, not only to be awakened, but to clothe itself. To put on garments of splendor. सिर्फ जागना और बल धारण करने को नहीं बोला, बल्कि बोला गया है कि तू शोभामान वस्त्र पहन ले. And if you are already dressed up and you have put your garments, what is requested here, verse 2, shake off your dust. Check if there is nothing, if there is no dust on your clothes. और जब आपने पहले से ही वस्त्र पहने हुए हैं, तो दो आयत में देखिए कि उसके ऊपर की जो धूल है वो झाड़ लो. Because in the city, the Jerusalem, in that city, no defiled or will enter into in that city. क्योंकि जो भी दूषित होंगे वो उस शहर यरूशलम शहर में प्रवेश नहीं करने पाएंगे. Before entering into the city of Jerusalem, you have to check if you are clean, if everything in you, your garments are proper, are clean. अगर यरूशलम में प्रवेश करना है, तो उससे पहले हमें अपने जो कपड़े हैं, वो झाड़ने पड़ेंगे, जो मैल लगी हुई है हमारे कपड़ों पे.
वो यरूशलम में दाखिल होने से पहले झाड़नी पड़ेगी, कपड़े साफ कर रखने पड़ेंगे। Today also we are about to enter into our kingdom. और आज भी अब हम अपने प्रभु के घर में, स्वर्गीय घर में, स्वर्गीय यरूशलम में जो है अब हम दाखिल होने वाले हैं। And now that we are about to enter our kingdom, we have first of all to be awakened. Those who are asleep, they must be awakened and put on the garment. अगर हम सोए हुए हैं, अभी आलसी हैं, तो हमें जो है अपने कपड़ों को सोना झाड़ना है, आलस दूर करनी है, उठना है, अपने आप को तैयार करना है। And why do we say that we are about to enter? Because all the signs, all the prophecies are now, we can now see it with our eyes. क्यों हमें ये सब करना है? क्योंकि अब समय आ गया हुआ है, प्रभु के कहे हुए वचन पूरे हो रहे हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, अंत समय का पैगाम पूरा हो रहा है, प्रभु का आना नजदीक हो रहा है, और अब समय आ गया हुआ है कि हम अपने आप को तैयार करें। Let's read Luke chapter 21. आइए हम अब लुका की अंजील में जाएंगे और उसका 21 अध्याय खोलेंगे। लुका की अंजील और उसका 21 अध्याय, लुक 21। यस, आई स्टार्ट फ्रॉम वर्स 25 टू वर्स 28। मैं 25 से लेकर और उससे 28 तक पढ़ूंगा। लुका 21 और 25 से लेकर 28 तक पढ़ूंगा। There will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be in anguish and in perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will faint from the terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. At the time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your head, because your redemption is drawing near. Amen. Amen. 25 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लुका और उसका 21 और उसकी 25 से 28 तक। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वह समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हलाई जाएंगी और तब वह मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आता देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। Matthew 24. Matthew
24 मत्ती 24 मत्ती की अंजील और उसका 24 अध्याय verse 4 and 5 and we will continue. और आइए हम मत्ती 24 खोलेंगे और उसका 24 और उसकी बदल 4 एंड 5. यस 4 एंड 5. ओके मत्ती 24 खोलेंगे और उसका 4 अध्याय और उसकी 5 अध्याय पढ़ेंगे. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, 'I am the Messiah,' and will deceive many." Yeshu ne unko uttar diya, "Saavdhan raho, koi tumhe na behkane paaye, kyunki बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे. आमीन. आई कंटिन्यू अगेन टू वर्स 8 6 7 8. यू विल हियर ऑफ वर्ड्स एंड चलो बोलो. और मैं जो है अगली 6 7 8 आयतों को लगातार आगे पढ़ रहा हूं. यू विल हियर ऑफ वर्ड्स एंड रूमर्स ऑफ वर्ड्स बट सी टू इट दैट यू आर नॉट अलार्म्ड. सच थिंग्स मस्ट हैपन बट द एंड इज स्टिल टू कम. नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे. देखो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना आवश्यक है परंतु उस समय अंत ना होगा. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा. जगह जगह अकाल आएंगे और भूकंप आएंगे. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी. आमीन. We can see these things happening today. हम देख सकते हैं कि आज ये सारी प्रभु की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं. We can take an example of Russia and Ukraine. हम जो है वो रशिया का उदाहरण देख सकते हैं. यूक्रेन का उदाहरण देख सकते हैं कि क्या चल रहा है. एंड यू कैन सी आवर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप सेज दैट वी माइट गो टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर. हमने सुना कि जो इससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं. And you can see how many other authorities in various countries speak about this. और हम देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं राजनीति में वो भी इसके बारे में बात कर रही है. And even the economical situation of the world is very shaken everywhere. और यहाँ तक कि सारी दुनिया की जो फाइनेंशियली सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम है वो सारा हिल गया हुआ है.
everybody is in trouble and afraid of what is going to happen and what is happening now. हर कोई आज हर कोई इंसान दुविधा में है, मुश्किलों में है और टेंशन स्ट्रेस में जी रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. But the people of God are not afraid of what is happening, because for them it is a sign that the Savior is coming back. Amen, amen. लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो इन चीजों से नहीं डर रहे, घबरा रहे, बल्कि उन्हें पता है कि उनके प्रभु का, मसाया का, प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक हो रहा है. आमीन. The physical world is shaken. और जो इस ये संसार है, दुनियावी दुनिया है, ये हिलाई जाएगी. The spiritual world also is very shaken now. और यहाँ तक कि जो आत्मिक संसार है वो भी हिलाया जा रहा है. Because the Lord is coming soon and the preparation in the spiritual realm inside of his people is also taking place. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है और उसके प्रभु के लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं. That's why the Bible says in Luke, "Where we are afraid, when you see these things start happening, raise your forehead because your deliverance is near." इसीलिए जो हमने अब पढ़ा है लूका के सुसमाचार में, प्रभु का वचन कहता है जब ये सब बातें होने लगे तो तुम लोगों ने अपने सरों को ऊपर उठाना है क्योंकि तुम्हारी निजात, तुम्हारा छुटकारा नजदीक है. आमीन है. That's why, like Isaiah was saying, we are also saying, wake up. जिस तरह यशाया में हमने कलाम पढ़ा कि जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो, ये समय आ गया है जाग उठने का. Put on your garments. अपने कपड़ों को, धूल को झाड़ लो. And the Bible says in is a look. Bible देखिए जो पवित्र बाइबल में लिखा है, जो बाइबल में प्रभु का वचन लिखा है. Or let's take first Hebrews, and we'll come back. अब हम इब्रानिया की किताब में जाएंगे और इब्रानिया की किताब जाने के बाद हम वापस लूका सुसमाचार में आएंगे. लूक चैप्टर 3, लूका का 3 अध्याय, लूका का 3 अध्याय. वर्स 7 और उसकी 7 आयत. Hebrews 3, verse 7. Okay. इब्रानिया की किताब
और उसका 3 अध्याय और उसकी 7 आयत. So, as the Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your heart as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. 3:7 इब्रानियां. इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था. आमीन. Today, when you look at Israel, when you look at what is happening in Ukraine, Russia, USA, Europe, and you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. आज आप रशिया की तरफ देख रहे हैं, यूक्रेन की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, इजराइल की तरफ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, और फिर आप प्रभु का वचन जब आज सुनते हैं तो अपने दिलों को कठोर मत करें. देखें चारों तरफ क्या चल रहा है. Do not say that you still have time to live as you want. No, there is no more time. आप ये ना कहें कि अभी समय पड़ा हुआ है, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है. ऐसा ना कहें कि अगर आज मर गए आप तो यही समय है अभी का जो आपने आज अपना प्रभु के साथ सही करना है. And iniquity is now very spread through the world. Everywhere you can look, sin is on top. सारी दुनिया में देखिए आज पाप जो हैं वो पूरे शिखर पर पहुंचे हुए हैं. सारी दुनिया में देखिए अब. You see? देखा आपने? And verse 12, we can read. हम 12 आयत पढ़ेंगे. Verse 12 to 15. हम 12 से लेकर 15 आयत तक पढ़ेंगे. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Yes. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that no one of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As has just been said, today if you hear his voice, do not harden your heart as you did in the rebellion. 12 से 15. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो कि जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए. बल्कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में कोई भी जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे, तो फिर जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वाले के समय किया था. सही. हालेलुया. आमीन.
Amen. Luke chapter 21. लुका की अंजील और उसका 21 अध्याय. Verse 34 to verse 36. उसका 34 से लेकर 36 तक. Yes, I agree. Okay. Be careful. All your hearts will be weighed down by carelessness, drunkenness, and pensions of life. And that day will close on you suddenly like a trap. For it will come on all those who live on the face of the whole world. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, जैसा सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, आमीन। Amen. Amen. I will draw again your attention to the what he said in verse 34. Be careful, or your heart will be weighed down with carousing, drunkenness, and the pensions of life, and that will close on you suddenly like a trap. मैं आपका जो ध्यान है वो 34 आयत पर लगाना चाहता हूं कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। Many times believers won't be found in drunkenness. बहुत बार होता है कि जो विश्वासी हैं वो निराश हो जाते हैं। But they are very much anxious about life. पर देखिए परमेश्वर के कलाम में कितना जीवन है। आमीन। And their heart is very troubled with many thoughts. और कई बार दिल जो है वो बहुत सारी चिंताओं से जो है कई बार घबरा जाता है। And the Bible says, be careful, because you can miss the goal because of that. परंतु बाइबल कहती है कि सावधान रहना, कहीं तुम निशाने से भटक ना जाओ। That's why let's read with me in the book of Psalms 94. आइए हम भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता में हम 21 खोलेंगे, the book of Psalms chapter 21 94 verse 19. Sorry brother,
the book of Psalms. Psalms 94, verse 19. Yes, brother. Mm-hmm. 19. Ah, yes, God. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया, आमीन। Even if you lack, you miss everything in this world. अगर आप इस संसार में नुकसान उठाएं, अगर आप अपना सब कुछ खो भी दें इस संसार में, the news of the return of the Lord must give you consolation in your heart. अगर आपका बहुत नुकसान हो जाए, आप सब कुछ गवा भी दो इस जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आमद और ये प्रभु का वादा आपको हिम्मत ताकत देगा। आमीन। आइए हम वापस मत्ती की अंजील में जाते हैं और उसका 24 अध्याय खोलेंगे और उस पे पूरा करते हैं हम वचन को। मत्ती 24 में जाकर मत्ती का सुसमाचार 24 ब्रदर वर्स बारह और चौदह पढ़ेंगे। 12 and 14 Right. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। माय एक्सहॉर्टेशन दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग टू यू इज वेक अप, चेक ऑन योर गारमेंट्स, प्रे, वॉच। और आज इस शाम को इस सभा में जो वचन है बताने का, वो ये है कि उठें आप, जागे प्रभु में, और अपने वस्त्रों को झाड़ें, धूल को झाड़ें, और प्रभु में बने रहें, और कलाम की तरफ ताकते रहें, प्रभु की तरफ ताकते रहें, ताकि अब हम दाखिल हो सकें प्रभु के राज्य में। And may the consolation of you, of the Lord fill your heart. और प्रभु परमेश्वर के कलाम की जो तसल्ली है आपके हृदयों में हो, आपके दिलों में हो। Cast away anxiety, cast away evil thoughts, cast away every negative thoughts, but trust in the Lord with all your heart. जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी मुसीबतें हैं,
उनको आप अपने हृदय से जीवन से उखाड़ के बाहर फेंक दें और प्रभु परमेश्वर की शांति, उसका कलाम, उसका वचन अपने हृदय में आने दे। आमीन। हालेलुया। He is coming soon. You and me. बहुत बहुत जल्दी आ रहा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्दी है। वो मुझे आपको लेने आ रहा है। उसकी आना बहुत नजदीक है। आमीन, आमीन, हालेलुया। And you can say, you can say goodbye to all the things that is the burden on you today. आज, आज आपके आपके पास जो भी बोझ है, आपकी जो भी चिंता है, आपकी जो भी परेशानी है, आज आप उसे गुड बाय कर दें। आमीन, आमीन। May the Lord bless you. God bless you. God bless you. Thank you. प्रभु परमेश्वर आप सबको सबको आशीष दे, बरकत दे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू डियर ब्रदर जोसेफ इस सुंदर पैगाम के लिए। आमीन। और बहुत ही अच्छा पैगाम दिया भाई ने, और प्रभु ने भाई के द्वारा बात की। हम सब ने आशीष और बरकत पाई इस कलाम से, और बहुत अच्छी चीज बताई भाई ने प्रभु के कलाम से कि जाग उठो, अपने नींद से, रूहानी नींद से जाग उठो और अपने वस्त्रों को झाड़ो और फिर तुम यरूशलम में दाखिल हो पाओगे। और जब हम इसका प्रभु ने हमें प्रकाश बताया कि उस समय में प्रभु ने अपने लोगों को कहा था कि यरूशलम से दाखिल होने से पहले अपने आप को जगाओ, उठाओ और कपड़ों को साफ करो, धूल झाड़ो, फिर तुम यरूशलम में एंटर हो सकते हो। अब ये था पुराना नियम। अब हम जो लोग हैं, हम नए नियम के लोग हैं। आज हमें प्रभु कह रहा है क्योंकि हमने भी यरूशलम जाना है। फर्क इतना है कि अब हमारा जो यरूशलम है वो स्वर्ग में है। हमारा यरूशलम स्वर्ग में है और वो यरूशलम जो स्वर्ग में है वो प्रभु बनाने गया हुआ है। योहन्ना 14 के मुताबिक प्रभु कहता, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और ताकि एक दिन मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। फिर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि फरिश्ते ने कहा, आ तुझे योना मैं दूल्हे की दुल्हन दिखाऊं। तो योना कहता, मैं क्या देखता हूं कि वो नया यरूशलम को स्वर्ग से उतरता हुआ देखता हूं, और जिसकी सड़कें सोने की और उसमें कोई भी रोशनी का रोशनी नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अपने जलाल से वो सारा यरूशलम चमकता था। और जो दुल्हन रैप्चर में गई वही दुल्हन उस नए यरूशलम में बैठ के वापस आई, क्योंकि दुल्हन दूल्हे के साथ रहती है। और यीशु मसीह हमारा राजा है, और जो रानी होती है राजे के साथ उसके महल में रहती है। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह उस नए यरूशलम और उसकी दुल्हन इस जमीन के ऊपर वो यरूशलम उतरेगा। तकरीबन 2200 किलोमीटर का एरिया बाइबल बताती है, और वो यरूशलम जो होगा वो पुराने यरूशलम के ऊपर होगा। नया यरूशलम पुराने यरूशलम के ऊपर होगा और उसके अंदर उसकी दुल्हन होगी जो पहले पुनरुत्थान की भागी हुई, जो रैप्चर में पार्टिसिपेट कर सकी, वो उसके साथ रहेगी। और जो लोग रैप्चर मिस कर गए, ट्रबल पीरियड में निकले हैं,
वो नीचे इस जमीन के ऊपर रहेंगे और उनका जन्म मरण है उसके बाद, लेकिन प्रभु कहता है कोई बच्चा बच्चा नहीं मरेगा, पूरी जवानी लेके मरेगा, लेकिन जो दुल्हन है वो जन्म मरण के चक्कर से निकल गई क्योंकि उसने वो वादा पूरा किया जो प्रभु ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है अगर मर गया वो जिएगा, जो जीवता वो अंतकाल तक नहीं मरेगा। दुल्हन जो है वो अमरता का उसने पहरावा पहन लिया हुआ है, उसके पास दुल्हन के पास इंटरनल लाइफ है, दुल्हन जीने मरने से निकल चुकी है, लेकिन जो रैप्चर मिस कर गए इस ज़मीन पर उनके लिए वही सिस्टम हैगा, 1000 साल तक चलेगा। और इसीलिए कहा है धन्य जो पहले पुनर उत्थान का भागी है, उस पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। फिर 1000 साल बाद फिर लूसीफर खोला जाएगा, 1000 साल बाद दूसरा पुनरुत्थान होगा, फिर उस वक्त सारी कब्रें खुलेंगी, सारी कब्रें, और फिर सफ़ेद सिंहासन वाइट थ्रोन की जजमेंट होगी जिसमें सारी दुनिया प्रभु के आगे खड़ी होगी और अपना अपना हिसाब देगी, और लूसीफर भी खोला जाएगा और उसके भी फॉलोअर्स खोले जाएंगे। फिर परमानेंट जो है हेल ख़त्म की जाएगी, बिकॉज हेल इज ए नॉट ए इंटरनल, ओनली हेवन इज ए इंटरनल, हेल इज ए नॉट इंटरनल, हेल जो है वो लूसीफर और उसके लोगों के लिए बनाई है। फिर लूसीफर परमानेंट ख़त्म किया जाएगा, उसके फॉलोअर्स परमानेंट ख़त्म किए जाएंगे, उसके लोग ख़त्म किए जाएंगे, दूसरे पुनरुत्थान 1000 साल बाद सारी कब्रें खुलेंगी, सबका न्याय होगा। मलाकी 3:4 में हम पढ़ते हैं कि जब दो धर्मी बात करते हैं प्रभु कान लगा के सुनता है, फिर प्रभु लिखा हुआ है कि प्रभु उनके सामने किताब लिखी जाती है, जो भी हम दिन भर में वो करते हैं बोलते हैं वो सारा कुछ प्रभु नोट करता है। एक रूटीन की किताबें लिखी जाती है, एक इंसान की, एक जीवन की किताब है, एक मेमने की किताब है। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है कि मैं ही अल्फा ओमेगा आदि और अंत हूँ, हर एक इंसान के कामों का फल मेरे पास है, सबका न्याय होना है। फिर लिखा है कि सारी दुनिया प्रभु के आगे खड़ी हुई, सबकी किताबें खोली गई और सबकी जिंदगी जो भी उन्होंने किया है सामने है, लेकिन जो दुल्हन है, दुल्हन उनके नाम मेमने की किताब में है, उन्होंने तोबा की, पापों की माफी मांगी और उनका अकाउंट तो क्लियर हो गया हुआ है, लेकिन दूसरी दुनिया जो है वो हिसाब देगी, न्याय होगा, सारे सामने खड़े होकर हिसाब देंगे अपना अपना, जिन्होंने भी मुक्ति छीन खो दी अपनी। पर जो दुल्हन है रैप्चर जाने वाले वो प्रभु के साथ बैठेंगे साथ, और जो मिस कर गए हैं रैप्चर मिस कर गए हुए हैं वो प्रभु, वो यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं देयर इज ए टू काइंड ऑफ ग्रुप, वन ऑफ देम इज अ सिट विद द जीसस क्राइस्ट एंड सेकंड ऑफ ग्रुप दैट फुलिश ग्रुप इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो जो रैप्चर मिस कर गए उनका लिखा हुआ है कि वो सफ़ेद कपड़े पहन के प्रभु के सामने खड़े थे, लेकिन जो रैप्चर में चले गए हैं वो प्रभु के साथ बैठे हुए न्याय कर रही हैं। ये फ़र्क है, जो रैप्चर मिस कर गए, जो रैप्चर में चले गए, जो रैप्चर में चले गए हैं वो हमेशा हमेशा यीशु के साथ रहेंगे, जीना मरना ख़त्म, 1000 साल तक प्रभु परमेश्वर रहेगा, 1000 साल बाद एक वाइट थ्रोन जजमेंट होगी जिसके द्वारा शैतान ख़त्म, उसके फॉलोअर्स ख़त्म, सारी दुनिया की कब्रें खुलेंगी, सबका न्याय होगा। उसके बाद होगा कि मैं नया आकाश नई पृथ्वी बनाऊंगा, नया आकाश नई पृथ्वी बनाऊंगा, उस वक्त हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी। तो ये प्रभु परमेश्वर की योजनाएं हैं और हम प्रभु के इस अनुग्रह से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने इतना महान स्वर्ग का ज्ञान, स्वर्ग का प्रकाश हम जैसे नकम्मे लोगों के ऊपर खोला हुआ है। इसीलिए सारी चिंताएं प्रभु ने हमारी उठा ली हुई हैं, सारे फिक्र उठा ली हुए हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि
फ्यूचर का क्या बनेगा, जॉब का क्या बनेगा, बच्चों का आगे पढ़ाना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा फ्यूचर प्रभु यीशु मसीह है और वो बहुत जल्दी आ रहा है। और इसलिए अगर कुछ सोचना है, चिंता करनी है, वो है अपनी मुक्ति की, उद्धार की, कि कोई ऐसा काम ना हम कर दें जिससे हमारी मुक्ति रुक जाए, हमारा रैप्चर रुक जाए, ऐसा काम ना कर दें कि सारी उम्र से हम यीशु मसीह आ कह रहे हैं, वो आ रहा है, हालेलुया कह रहे हैं, ऐसा काम ना कर दें कि वो आए मत्ती 25 के मुताबिक वो कहे मैं नहीं तुम्हें जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। और अगर रैप्चर से मिस हो गए और ये शब्द जो होंगे, ये दिलों को चीर देने वाले शब्द होंगे, अगर प्रभु अगर किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करेगा, उस भाई बहन के लिए बहुत ही ये चीर देने वाले शब्द होंगे कि सारी उम्र वो हालेलुया आमीन कर रहा था, पर कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ रखी उसने अपने हृदय में जिसके कारण उसका रैप्चर रह गया। सो वी हैव टू बी सोबर, सोबर बने रहें, हलीम बने रहें, बहसबाजी से दूर रहें, आर्गुमेंट से दूर रहें, बैक बाइटिंग से दूर रहें। बैक बाइटिंग इज़ वेरी डेंजरस, बैक बाइटर विल नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ हेवन, बैक बाइटर जो है वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। निंदा चुगली बुराई बहसबाजी से दूर रहें, अच्छे हृदय से सवाल पूछें। फरीसी सदूकी उसको परखने के लिए सवाल पूछते थे, चेले उसे परखने के लिए सवाल नहीं पूछते थे, चेले वचन को सीखने के लिए एक अच्छे हृदय शौक से कलाम सीखते थे। हमने एक अच्छे हृदय से प्रभु का वचन सीखना है, एक अच्छे हृदय से। फिर देखिए आप, हम जिंदा गवाह हैं, हम जिंदा गवाह हैं, प्रभु ने दिन बदल दिए, हालात बदल के रख दिए प्रभु ने, और प्रभु ने इतने अच्छे भाई बहन दिए हुए हैं। एक बीज बोया था लुधियाना में और देखिए आज पेड़ बना हुआ है और फल दे रहा है। तो सारी आदर महिमा प्रभु के नाम को मिले, और जो लोग प्रभु में अनुग्रह आशीष पाए हुए हैं और वही आपको भी वो तजर्बा बता सकते हैं तरक्की करने का, क्योंकि एक कामयाब इंसान ही दूसरों को कामयाब कर सकता है। और अगर हम फेल हुए बंदे से कुछ सीखेंगे तो खुद भी फेल होंगे। तो जो हमने तजर्बा लिया है प्रभु से तरक्की करने का, आशीष बरकतें पाने का, वही तजर्बा हम आपको शेयर कर रहे हैं कि हम कैसे बढ़े, कैसे प्रभु ने शून्य से हमें 100 बना दिया, कैसे छोटे से कमरे से 2-4 लोगों से एक बड़ी कलीसिया बना दी है, बड़े अच्छे भाई बहन दिए हैं प्रभु ने, प्रभु का शुक्र। और यही सिखाते हैं हम सबको कि दाएं बाएं की आप पॉलिटिक्स से बचें। Where there is a politics, there is a no God. God hate politics. तो प्रभु में बने रहें, एक दूसरे से प्रेम रखें, गलत लोग जो हैं खराब करने वाले से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, मार्क कर लें और कान बंद कर लें दूसरी चीज़ों के लिए, वचन सुने, वचन प्रचार करें, और फिर देखिए प्रभु आपके दिन बदल देगा, आसमान के जिरोखे खोल देगा आपके लिए, आपकी सारी प्रॉब्लमें वो उठा लेगा, आपकी जितनी भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो खुद लड़ेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब हालात सही प्रभु ने कर दिए हैं। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये तजर्बा है, हम इन हालातों से गुजरे हैं, और यही एक तरीका है, सोबर बने रहें और दाएं बाएं की गलत चीज़ों से बचें, और बैक बाइटिंग, चुगली, निंदा, बुराई, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलना, कमी हम सब में है, परफेक्ट सिर्फ यीशु मसीह ही है। प्रभु आशीष बरकत दे आप सबको भाई, और जो सबको भी जिन्होंने कीमती समय निकाल के बड़ा अच्छा इनकर्ज करने वाला, ईमान विश्वास बढ़ाने वाला वचन दिया है हमारे, कि समय आ गया हुआ है कि यरूशलम में हम दाखिल होने वाले हैं, सून वी विल बी एंटरिंग द किंगडम ऑफ हेवन, सो वी हैव टू वॉश अवर क्लॉथ, we have to wash our sin, we have to correct with Lord, and we have to prepare for the rapture, because very soon our Lord Jesus Christ is coming, and this is the divine love and revelation, coming of Jesus Christ is very very near. And Brother Frank also use this word
that we are not living at the end, but we are living end of the end. प्रभु ने भी कहा है कि जब ये बातें होते देखो तो मेरा आना नजदीक नहीं बल्कि द्वार पर है. अब हम suppose we if we have travel in the train and we going to we want to go to Delhi. So when I took my train from Ludhiana and when I reached Sanewal, then I will be lazy and I know that Delhi is a bit far, so I don't need to be prepare ourselves, we can sleep. But when I hear the announce ki we have entered old Delhi, so what will we I do? If I am wise, I will be wake up and I will wear my shoes, proper my dress, and carry my all bag, because I know my station is now near. If I will be full, then I will be say, oh no, a little bit I do more rest, a little bit I will be sleep, then be New Delhi will be train will be reached, and I will be looking here and there my mobile, my shoes, then train will be stop only 5 minutes. So then I will be foolish. मैं मूर्ख होऊंगा कि अगर मैं सफर कर रहा हूँ दिल्ली के लिए और लुधियाना में बैठा हूँ, सामने वाला आता है, मैं बेफिक्र होता हूँ कि कोई बात नहीं, दिल्ली अभी दूर है, सफर पड़ा हुआ है, आराम कर लो. लेकिन जब मेरी ट्रेन पहुँचती है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, तो मुझे पता चल जाता है कि अब समय आ गया हुआ है, अपने शूज़ पहनूँ, कपड़े पहनूँ, बैग तैयार करूँ, क्योंकि बड़ी जल्दी ही नई दिल्ली में ट्रेन पहुँच जाएगी, 5 मिनट के लिए खड़ी होनी है, और जो उतर गया, जो चढ़ गया चढ़ गया, जो रह गया वो रह गया. तो अब आप ये देख लीजिए स्पिरिचुअल तौर पर कि हमारी जो ट्रेन जो स्वर्ग जा रही है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है स्वर्ग एंटर करने वाली है रैप्चर में. आमीन. ट्रेन जो है हमारी, सफर जो है खत्म होने वाला है, बिल्कुल हम उस जीरियो को पार कर चुके हैं. अब हम पहाड़ पर खड़े होके मूसा की तरह दूर से यरूशलम देख सकते हैं. मूसा ने पहाड़ पर दूसरे यरूशलम देख लिया था क्योंकि यरूशलम पास आ गया था. उसी तरीके से हम आत्मिक लोगों ने देख लिया हुआ है कि अब हमारा रैप्चर नज़दीक आ गया हुआ है. हमें ज़रूरत है कि अब हम अपना सामान अपने आप को तैयार कर लें. ऐसा ना हो कि दिल्ली पहुंचने पर आप कहें मुझे तो शूज़ नहीं मिल रहा भाई, मुझे कपड़े बैग नहीं मिल रहा अपना. वो ट्रेन आपके लिए रुकेगी नहीं भाई, वो उसने चली जाना है, तो आपको या तो वो सामान छोड़ना पड़ेगा. अब हमारा रैप्चर बहुत नज़दीक है, बाकी की चीज़ें हम छोड़ दें जो वचन से के खिलाफ है, उन चीज़ों को छोड़ें, सिर्फ सुने ना, उसको सुन के मेडिटेट करें, प्रार्थना में जाएं, अकेले बैठें, अपने आप को जांचें वचन में, और जो चीज़ सही नहीं उसे दूर कर दें. क्योंकि जब रैप्चर हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो मूर्खों ने कहा हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे प्रभु. That foolish asking to God, request God, please open the door. But you know, door is not closed by Noah or any disciple or any believer. Door always closed by Lord Jesus Christ. दरवाजा हमने और आपने नहीं बंद करना, दरवाजा प्रभु ने बंद किया होता है. और प्रभु ने जो कहता मैं नहीं तुम्हें जानता तुम कौन हो. इसलिए ये समय है जो भाई ने बड़ा अच्छा संदेश दिया हमें कि वेकअप, उठो, कपड़े झाड़ो अपने भाई. ये नहीं है ना कि हमारे कपड़े सही हैं. जब सालों साल से अगर कोई एरर है हमारे में तो वी हैव टू रेक्टिफाइंग एंड वी हैव टू करेक्ट. वही कंटिन्यू नहीं चलते रहना ना उस गलती गुनाह में, उसे ठीक करें आप. जो प्रभु का बच्चा होगा, चुना हुआ, प्री डेस्टिनेटेड, जिसका नाम मेमने की किताब में है, जिसने स्वर्ग जाना है वो करेक्ट कर लेगा. कौन होगा सही? जो स्वर्ग जाने का इच्छा रखता है, प्रभु के घर में जाने, वो करेक्शन करेगा, वो बदलाव करेगा. बिकॉज हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन दिन ब दिन हम प्रभु के कलाम से परफेक्ट हो रहे हैं रैप्चर के लिए. बात स्वर्ग जाने की है ना, बात अमेरिका इंग्लैंड की नहीं हो रही ना, बात स्वर्ग की है. इसलिए अमेरिका इंग्लैंड जाने के लिए भी अगर डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ती हैं, तो स्वर्ग जाने के लिए बहुत सी चीज़ें है जो हमें सही चाहिए, तैयार करनी चाहिए.
और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास प्रभु का सच्चा वचन है और वो हमारे समय में आ रहा है। मुबारक बात ये भी है हमारे समय में आ रहा है, अगली जनरेशन के समय में नहीं, हम आपके मेरे समय में आ रहा है प्रभु, हमारे समय में आ रहा है प्रभु। अब इतना इतना संदेश होने के बावजूद भी अगर हम सही ना हुए, रैप्चर में नहीं जा पाए, तो प्रभु उसे फिर उसे ही फुलिश बोलता है कि जिसको पता भी था लेकिन उसने अपना जीवन फिर भी ठीक नहीं किया। प्रभु की इज्जत करें, प्रभु के दासों की इज्जत करें, प्रभु के लोगों की इज्जत करें। और अगर कोई आके बोलता है आपको ऐसा, निंदा चुगली बुराई, कान बंद कर दें, प्रभु बरकत देगा। प्रभु का आना बहुत नज़दीक है और अपने आप को हम तैयार करें, शुद्ध करें प्रभु के आने तक रैप्चर के लिए, ताकि अगर प्रभु पूछे हमें कि क्या हम तैयार हैं, तो हम अभी इसी वक्त हाथ उठा के कहें प्रभु हाँ मैं तैयार हूँ, बिल्कुल अभी अभी इसी वक्त जाने को तैयार हूँ प्रभु परमेश्वर। और प्रभु इन सारे शब्दों के द्वारा आप सबको आशीष बरकत दे। और हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, इस क्लोजिंग प्रार्थना को करेंगे। और हमारे बीच में भाई रजिंद्र को आज हम समय देते हैं, भाई जोशुआ को, कि वो आज इस क्लोजिंग प्रेयर को करें। भाई जोशुआ, भाई जोशुआ जो हैं वो सुन रहे हैं, भाई जोशुआ आप हमारी आवाज, भाई रजिंद्र जोशुआ, शायद वो पास नहीं होंगे, तो हमारे पास भाई रजिंद्र भी हैं, भाई रजिंद्र मसीह, भाई रजिंद्र मसीह क्या आप सुन पा रहे हैं? यस यस हाँ भाई रजिंद्र, इस सभा की आप क्लोजिंग प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष बरकत दे। वी विल गो इन क्लोजिंग प्रेयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये सब लोग अपने अपने सिरों को प्रभु की हस्ती में करते रहते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद है, शुक्र करते हैं सुंदर समय के लिए जो आज हो रहा है, तेरे द्वारा दिया गया ताकि हम प्रभु जी तेरे पवित्र नाम में सब करता हूँ। तो तेरा धन्यवाद कर सकते हैं कि हमारा उद्धार उद्धार अपन ईश्वर है। और प्रभु जी पीछे सभी साथ और आने वाले सभी साहित परमेश्वर है, तो कभी नहीं बदलेगा प्रभु जी, कोई हर चीज पर चिंता है। सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने प्रभु ने सच्चा कलाम दिया है, वचन का प्रकाश दिया है। और प्रभु जी तुझे नाम पर जाहिर किया है कि तू एक परमेश्वर है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा है। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरा शरण तुझे हम प्रभु जी जीवन की सारी मेहरबानी के लिए जो प्रभु जी तेरे द्वारा अनुग्रह किया कि हम इस जमीन पे तेरे अनुग्रह के से चल रहे हैं, तेरे शुक्रगुजार। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू अपने बच्चों को कभी भी अनाथ नहीं छोड़ सकता। प्रभु तूने वादा किया है कि मैं जगत जगह तुम्हारे साथ हूँ और तुझे कभी भी नहीं अनाथ छोड़ूंगा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है प्रभु जी। और तेरे पवित्र कलाम में भी आया प्रभु जी, जितनों ने तुझे कबूल किया है उन्हें प्रभु लोग ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जो तुम्हारे पापों बोझ को उठा लेता है, तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद तेरी हजूरी में हम अपने गुनाहों का अंतर जाने ले जाने के लिए प्रभु तेरे वचन के खिलाफ जो भी गुनाह हो प्रभु जी माफ कर दे, सिर्फ तू माफ कर सकते। और प्रभु जी होने दे जब तक हम इस जमीन पे रहे तेरे आज्ञाकार बने रहे और खुदावंद तेरी मर्जी को पूरे करने वाले हो सके। और खुदावंद तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, और होने दे प्रभु जी जब तेरा आना बहुत ही नजदीक है, तेरे सच्चाई आने के नाम पे सदा स्टैंड करेंगे और मिलावट से दूर हैं प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके प्रभु। सरगर्मी वाला आत्मा दे प्रभु,
हमारे दिए जलते रहे, हमारी कमरे बधी रही है, हम पे अनुग्रह करें। तुम खुदावन हमारी आस हुई सिर्फ तुझ पे है, खुदावन तो हमारा अच्छा चरवाहा है और होने दे तो भी हमारा बैठना उठना चलना बोलना बोलना सब कुछ तेरे वचन के मुताबिक हो। हमारे जीवनों में तू बड़े और हम घटे प्रभु, और खुदावन अगर हमारे में पत्थर दिन पाया जाता है तो खुदावन तू हमें मांस रूपी हृदय दे, और खुदावन हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और हमें खुदावन प्रार्थना वाला आत्मा दे दे ताकि प्रभु जी हमारा जीवन रूहानी जीवन हो सके, और खुदावन हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर दो, और जो भी रुकावटें हैं प्रभु जी हमारे उठाए जाने में प्रभु जी सिर्फ तू दूर कर सकता है प्रभु जी, और तूने खुद ही कहा जो काम इंसान नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है, हम विश्वास करते हैं। जितने भी तेरे बच्चों में मौजूद है प्रभु, एक एक ध्याने को एक बच्चे को प्रभु तेरे तक तेरे पीछे जोरावर हर एक बच्चे को तू आशीष बरकत दे, हर एक बच्चे की रखवाली करना और अपनी आमद के लिए प्रभु हर एक बच्चे को तैयार कर, और तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर काम के लिए जो तेरे सेवक के द्वारा दिया गया प्रभु, उन्हें दे खुदावन हम उस सलाम को अपने हृदय में सदा सदो रखो और बहुत सारा फल लाने वाले हो सके, और तेरे सेवकों को प्रभु जी ब्रदर फ्रैंक को ब्रदर डैनियल को तेरे पीछे जोरावर हाथों में देते हैं, जैसे बीते समय इनको इस्तेमाल किया अपनी सेवा की आने वाले समय से और ज्यादा इस्तेमाल कर ताकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ तेरे साथ जोड़ पाए, खुदा हम पे भी दया कृपा कर प्रभु जी, हम भी इस जमीन पे प्रभु जी मशहूर नहीं बल्कि ईमानदार बन पाए प्रभु जी, और तेरे साथ हर रोज सही सही चलने लगे और हर वक्त तेरी हजूरी में चले हम पे अनुग्रह करेगा, और आने वाले समय में भी प्रभु जी हम जब भी इकट्ठा हो सिर्फ तेरा धन्यवाद कर सकते, एक एक भाई बहन को आशीष बरकत देना, एक एक भाई बहन के साथ होना प्रभु, और हमारा विश्वास है प्रभु की जो तुझसे मांगा गया तो हमें दे दिया है प्रभु, क्योंकि हम मांग मांग पूरे जगत की उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु नासरी, आप दयावान पिता है प्रभु जी, आज का जो कलाम है प्यारे खुदावंद हमने सबने सुना है प्रभु जी, आशीष देना प्रभु जी दोनों भाइयों के लिए, प्रार्थना भाई जकराया के लिए और खुदावंद भाई जसविंदर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, खुदावंद की और वचन से भर दो प्रभु जी, प्रभु जी अपने पाक और पवित्र कलाम से और भर दो ताजो हम प्रभु जी और खुदावंद आपके वचन के बारे में जान सके, खुदावंद आप दयावान पिता हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, हम पापों और गुनाहों में प्रभु जी बढ़ रहे थे पर खुदावंद आपने अपने अनुग्रह से हमें बचा लिया, प्यारे खुदावंद दया करना प्रभु जी, आज का जो वचन है हमारे जीवन में प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं प्रभु 100 गुना फल लेकर आने वाले हो जाए, खुदावंद हम अपना जो प्रभु जी बीता समय प्रभु उसको याद नहीं करना चाहते कि हम किस किस मिलावटों में थे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस पाक और पवित्र कलाम के लिए जो आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर दिया है खुदावंद, जो हम सारे भाई अलग अलग देशों में होकर प्रभु जी आपके साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, आशीष और बरकत देना प्रभु जी, बहुत सारी प्रभु जी आशीष आए मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम आमीन 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 आमीन। प्रभु परमेश्वर भाई जोशुआ को भी आशीष बरकत दे और भाई रजिंदर को भी, और जिस तरह पवित्र आत्मा ने भाई जोशुआ की अगुवाई की कि वो प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने लोगों से बात करता है, और भाई जोशुआ ने भी जो आत्मा में होकर प्रार्थना की प्रभु का शुक्र करते हैं, और वो प्रार्थना आशीष बरकत से थी और प्रभु ने प्रभु की अगुवाई में की गई है, और प्रभु की अगुवाई में जो की जाती है उसमें प्रभु ब्लेसिंग देता है।
प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। हमारे प्रार्थना सभा का समय समाप्त होता है, आप लोग एक दूसरे को मिल सकते हैं और उसके बाद मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन आप एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कर सकते हैं अपने माइक ऑन करके। और प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर। आमीन।